गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई बैंक खातों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब ये जो कार्रवाई की जाएगी, अब ऐसे में क्या होगा, समझिए। दरअसल ऐसे में 7 बैंक खाते हैं जिनके बारे में राज्य सरकार को जानकारी दी गई है। ये बैंक खाते दरभंगा, सीतामढ़ी, अररिया जिले में, और इसके बारे में बिहार सरकार के गृह विभाग ने इन जिलों के डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साकेत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साकेत, जानकारी चाहेंगे गृह मंत्रालय की पीएफआई पर ये कार्रवाई के जो निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी? देखिए, बिहार में जिस तरह से छापेमारी हुई थी, पीएफआई के जो कार्यालय है उन पर कई जगहों पर छापेमारी हुई थी, उसमें कई डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जिसमें बैंक खाते भी कई मिले थे पीएफआई के, जिसमें कि पैसे होने की बात थी और 90 लाख का मामला भी सामने आया था, कई बैंक अकाउंट्स में जमा थे। तो ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर ऐसे जो बैंक खाते हैं पीएफआई के, उस पर यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की बात कही गई है। और इसके जवाब में राज्य सरकार ने भी जिन जिलों के नाम आ रहे हैं, जिसमें सीतामढ़ी है, दरभंगा है और अररिया है, इन जिलों के जिलाधिकारी को लिखा है कि जल्द से जल्द जो अकाउंट नंबर दिए गए हैं, ऐसे 7 अकाउंट है जिन पर कार्रवाई की जाए और उन अकाउंटों को सीज किया जाए, फ्रीज करके फिर उस पर आगे की कार्रवाई होगी। तो ये पत्र जब से बिहार सरकार को आया है, तब से सरकार ने इस पर एक्टिव होकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ठीक है साकेत, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पहले